भाई बड़ा मैच है, बड़ा बैटल है और इसलिए वर्ल्ड जायंट्स के कोच मेरे साथ है। आज के मैच के लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है? स्पेशल स्ट्रैटेजी तो नहीं है, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी है कि मैच जीतना है। सी, हमारे प्लेयर लोग सब एंजॉय कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स जो उनके कंट्रीज के लिए इतना बड़ा नाम किया है वो आके यहाँ खेल रहे हैं और आपने देखा होगा सब मैचेस एकदम इंटरेस्टिंग हुए। तो मुझे लगता है कि आज का मैच भी इंटरेस्टिंग होगा और हम यही चाहते हैं कि वर्ल्ड जायंट्स लास्ट ईयर के विनर थे, ये साल भी विनर रहे। बिल्कुल, एरन फिंच आज टीम में नहीं है, शेन वॉटसन कप्तानी कर रही है। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर शेन वॉटसन आल्सो और यू विल मिस एरन फिंच? डेफिनेटली हम लोग मिस करेंगे एरन फिंच को, बिकॉज ही वाज आवर ओरिजिनल कैप्टन बट ही हैज गॉन फॉर ऑफिशियल ड्यूटी टू इंडिया। लेकिन वॉटसन लास्ट मैच में भी अच्छा बनाया है नो एज अ कैप्टन, सो आई एम श्योर दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू प्रूव दैट वन मोर गेम टू गो और मैच जीते और चैंपियन बने। बिल्कुल, बहुत आपकी जो टीम है ना वो जीतने के लिए यहाँ पर आई, अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड ये टीम है, तो आज जब आप ड्रेसिंग रूम में गए तो क्या माहौल था? सी, माहौल तो यही था कि सब लोग ये किया कि वन मैच टू गो, अभी एक ही मैच बाकी है, हम लोग ने इतने 10 दिन से अच्छा माहौल बनाया, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अब एक मैच है, एक मैच अच्छा खेलना है ताकि सब लोग यू नो जो भी यहाँ आए देखने आए दर्शक आए वो उनका मजा ले, बिकॉज ये प्लेयर लोग बहुत इनके टाइम के बहुत अचीव किए हैं। आज एक बात है कि जब भी ये एज भी हो गए लेकिन जब वो ग्राउंड पे उतरते हैं वो वही इंटेंसिटी से उतरते हैं और वही उनका मजबा है कि हम जाएंगे जीतने के लिए खेलेंगे। अच्छा, आपने तो कोच किया है टीम को, वर्ल्ड जायंट्स की टीम से कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकता है उसकी फिटनेस को लेकर? ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन लेकिन सब लोग ने देखो सभी लोग ने खेले हैं। एक नाम दे दीजिए जिसकी फिटनेस आपको लगा वाओ आज भी जबरदस्त फिटनेस है। टीनो बेस्ट अभी भी फिटनेस है, ही रन्स रियली फास्ट यार, एंड ही इज नॉट दैट ओल्ड। मैं कहता हूँ ना वो अभी 38-39 ही है और द वे ही बोल आज भी देखो वो 135+140+ बोलिंग डालता है और उसका फिटनेस, डाई मारेगा बाउंड्री लाइन पे रुकाएगा, आई थिंक एंड ही वर्क्स हार्ड एट हिज फिटनेस, वो कभी भी फिटनेस आप सुबह देखिए वो जिम में रहता है। कितनी देर जिम में होते हैं वो? रहते हैं 1 घंटा रहता है। हाँ, एवरी ऑल्टरनेट डेज ही डज हिज जिम, ही विल नॉट मिस। तो अभी भी वो फिटनेस करते रहते हैं बिकॉज उसने फिटनेस का भी ये किया, कोर्स किया है एज एन SLC, तो कह रहा था कि उसका भी 6 महीने बाकी है, ही माइट बिकम अ रेगुलर फिटनेस ट्रेनर। और क्रिस गेल भी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं, हम देखेंगे तो नहीं आज के मुकाबले में उनको, लेकिन उनके जिम फिटनेस के बारे में बताइए, वो जिम जाते थे? अभी वो भी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे थे लेकिन अभी आपने देखा का वो खाली वर्क किए हैं, फिटनेस भागते हैं, जो उनका पहला फिटनेस था वो तो नहीं लेकिन अब उसको पता है कि अगर मुझे लीग में खेलना है तो थोड़ा फिट रहना है, तो उन्हें थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए। थैंक यू वेरी मच।